Hello everyone, this is your first class of English grammar course for class 9 to class 12. So आप सभी के लिए ये पहला लेसन होने वाला है जहाँ पर हम शुरू करेंगे 10 से शुरू करेंगे एंड उसके बाद बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. ओके सो आज का लेसन जो है पहला लेसन होने जा रहा है जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि टेंसेस कितने टाइप्स के रहता है और हम इस टेंस को बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे. ये कोर्स जो है थोड़ा लंबा जा सकता है. आई होप फॉर वन मंथ, एक मंथ भी जा सकता है. ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ कि टेंस जो है टेंस में कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे आपका. ठीक है, हम एकदम वन बाय वन डिटेल में इस लेसन को हम करते जाएंगे आगे फॉर द फ्यूचर कोर्स, कल परसों इस तरीके से. सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस क्या है. ठीक है, टेंस मीन्स टेंस का मतलब क्या होता है. टेंस क्या होता है, टेंस मीन्स टाइम होता है. ठीक है, किस चीज़ का टाइम, कोई भी एक्शन. ठीक है, एक्शन. और हमारी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट. अब ये वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना. तो सब्जेक्ट में जैसे राम गोस टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है. ठीक है, वर्ब जो है गोस है. राम जो काम करता है यहाँ पर, जाने का काम कर रहा है. ठीक है, अब ये काम जो काम को हम क्या कहलाएंगे, एक्शन. अब ये एक्शन कौन सा टाइम पे हुआ है. ठीक है, ये काम कब हुआ है, ये एक्शन कब हुआ है. जो काम प्रेजेंट में हुआ है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे. ठीक है, प्रेजेंट टेंस. और जो काम पास्ट में हुआ है उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे. जो काम फ्यूचर में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. फिर से एक बार कह रहा हूँ, कोई भी एक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट में सेंटेंस में, या हमारे यहाँ से एक सेंटेंस है, राइट, सेंटेंस है. कोई भी सेंटेंस में अगर आपका एक्शन जो है, एक्शन कौन सा टाइम पे हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे. और ये तीनों टेंस का तीनों टेंस अगेन डिवाइड होते हैं चार चार टेंस में. प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इस तरीके से पास्ट का भी चार होता है सेम, और फ्यूचर के भी चार रहता है. और ये जो 12 टेंस है, ठीक है, 12 टेंस को हम चलाना सीखेंगे एकदम बारीकी से, वन बाय वन. पहले हम प्रेजेंट टेंस को करेंगे और उसके बाद पास्ट टेंस को. प्रेजेंट टेंस में जो चार टेंस रहता है उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है, वो भी डिटेल में, कहाँ कहाँ पर चलाना है, कहाँ पर नहीं चलाना है प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और उसी तरीके से पास्ट टेंस हमें कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं चलाना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे. और इस लेसन में आपको थोड़ा एडवांस लेसन मिलेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये तो बोल दिया, सब ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे जो लेसन, जो कोर्स होने जा रहा है, थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा. तो मेरे साथ ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ठीक है, कोर्स का. अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से हम शुरू करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूस प्रेजेंट सिंपल को हम पूरा पढ़ेंगे. इसका कितना यूज़ है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, एडवांस चीज़ें भी हम करेंगे इसमें. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम अब नेक्स्ट वीडियो से हमारी टेंस का लेसन शुरू करेंगे. ओके, तो मेरे साथ बनी रहिए. सो पहला वीडियो से ही बनी रहिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इस टेंस को सीख पाए.